हेलो एवरीवन, मेरा नाम आयमन शेख है एंड वेलकम टू मस्ट वॉच टिप्स। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे इस ब्लैंक सेल्स को रिमूव करना है या डिलीट करना है। इसके लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है कि हम इसमें फिल्टर लगा लें। फिल्टर लगाने के लिए हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एल, एंड देन फिल्टर लगाने के बाद हम यहाँ पर से ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं, ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद हम एंटर प्रेस करेंगे। यहां पे सारे ब्लैंक सेल्स आ गए। अब हम इसको कंट्रोल शिफ्ट डाउन से सिलेक्ट करेंगे एंड देन शिफ्ट स्पेस से पूरा रो सिलेक्ट हो जाएगा। अल्ट सेमी कॉलन से आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक सिंगल रोज सिलेक्ट होगी, और फिर आप प्रेस करेंगे कंट्रोल माइनस। ये सारे रोज हमारे डिलीट हो गए। अगर अभी हम फिल्टर निकाल देंगे और इसमें सिलेक्ट ऑल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बीच की जो एम्प्टी रोज थी वो चली गई हैं। ये तो एक तरीका था। अब दूसरा तरीका हम देखते हैं जो इससे भी इजी वे में है, बिना फिल्टर के कैसे रिमूव कर सकते हैं। पहले हम प्रेस कर लेते हैं कंट्रोल जेड, और यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी आ चुका है हमारे पास इधर वैल्यूज जैसा था पुराना डेटा। अब इसमें हम पहले डेटा सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, एंड देन कंट्रोल जी। कंट्रोल जी के बाद ये इस तरह का कुछ पॉपअप आएगा, उसमें आप स्पेशल्स में जाकर ब्लैंक सेलेक्ट करेंगे और ओके प्रेस करेंगे। अब जब ब्लैंक आ गया है तो आप कंट्रोल 9 प्रेस करेंगे, सारी ब्लैंक्स हाइड हो गई है। अब एक साथ में वो पूरा रो हाइड हो गया है। आप देख सकते हैं 47 के बाद डायरेक्ट 50 है। 47 के जो बीच में सारी रोज है, इसको अनहाइड करेंगे तो आपको दिख सकता है यहाँ पे कि यहाँ पे रोज है, एम्प्टी सेल्स है, बट इसे सिर्फ हमने हाइड किया है। और यही सेम चीज कंट्रोल 9 की जगह आप कंट्रोल माइनस करते हैं तो सारे रोज डिलीट हो चुके होते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।